गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर विच इज़ नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। द वर्ड माइट बी क्वाइट फेमिलियर यू आर, आप काफ़ी परिचित होंगे वर्ड से इमोशंस, हमारी भावनाएं। देन इमोशनल इंटेलिजेंस इज नोन एज भावनात्मक बुद्धि। ओके, फर्स्ट आई गो बाई डेफिनेशन, वट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस इमोशन एज वेल एज ऑफ अदर्स। कहने का मतलब है कि भावनात्मक बुद्धि वो है जो अपनी भावनाओं को आप कैसे पहचानते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं, उसके साथ साथ आप दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये एक डेफिनेशन हो जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। देन व्हाट आर द स्किल्स टू मैनेज टू नो इमोशनल इंटेलिजेंस? बेसिकली दीज आर द थ्री स्किल्स रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग इज इमोशनल अवेयरनेस। वट इज दैट? इट इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस ओन इमोशंस। लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस समय भावनात्मक रूप से, कभी होता है हम कभी गुस्से में होते हैं, देन दैट मोमेंट यू हैव टू बी इन अ चेक ऑफ योर इमोशंस कि मैं अभी गुस्से के में मुद्रा में हूँ। कभी कभी होता है कि आप कभी एक दुख की फीलिंग आ जाती है अपने अंदर, कभी ये फीलिंग्स होती है, दैट मोमेंट यू हैव टू चेक वो आई एम इन अ मूड ऑफ सैडनेस, आई एम इन मूड ऑफ हैप्पीनेस। कभी होता है मन अपने आप प्रसन्न होता है, अच्छा महसूस करते हैं, इट अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यू हैव द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। देन कम्स हार्नेसिंग इमोशंस। हार्नेसिंग इमोशन मीन्स हाउ यू कैन यूज योर इमोशंस, हाउ यू कैन अप्लाई दोज इमोशंस इन योर वर्क, इन योर डेली लाइफ, वाइल यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर सेल्फ, विद अदर्स, आउटर वर्ड्स। ओके, लाइक एबिलिटी टू हार्नेस योर इमोशन एंड अप्लाई इमोशन टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, आपके पास कोई समस्या होगी, यू हैव अ प्रॉब्लम, देन दैट मोमेंट यू हैव टू थिंक एंड गेट टू अ सॉल्यूशन। देन इफ यू आर इन अ चेक ऑफ योर इमोशंस, अगर आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं या आपने उनको कंट्रोल में किया हुआ है, तभी आप किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर ऑर्डर में सोच सकते हैं, एक सॉल्यूशन पर आ सकते हैं। दैट्स कैन बी सेन हार्नेसिंग ऑफ योर इमोशंस। देन कम्स मैनेजिंग इमोशंस। हाउ टू मैनेज? मैनेजिंग मीन्स टू रेगुलेट योर इमोशन एज वेल एज ऑफ अदर्स। रेगुलेटर, एज वी नो इन फैन वी हैव रेगुलेटर, व्हाट इट वर्क, इट वर्क्स व्हेन यू नीड, लाइक you are feeling very hot, you can increase. When you are feeling this, no need of such much. आपको जब ऐसा लगता है कभी कि पंखे को बहुत बढ़ा के हमें चलना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो आप रेगुलेटर से उसे बढ़ाते हैं। समटाइम यू फील टेम्परेचर इज नॉर्मल, आई नीड टू रिड्यूस इट, तो आप उसको कम कर देते हैं। रेगुलेशन मीन्स यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ द इमोशंस। आपको सामने वाले के इमोशंस को भी समझना आना चाहिए कि वो कैसे स्थिति में इस समय है, मैं उसे किस तरह से बात करूं। अगर सामने वाला आपको लगता है कि गुस्से की मुद्रा में है, गुस्से में है, तो आपको थोड़ी देर खुद को शांत रखना पड़ेगा। कभी आपके अंदर खुद गुस्सा है, आप सामने वाले से बात करेंगे तो क्या होगा, एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। बिकॉज यू हैव टू रेगुलेट यूर फीलिंग्स। जब तक आप इक्वलनेस पे नहीं आएंगे, जब आप खुद को शांत अवस्था में नहीं ला पाएंगे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। दैट कैन बी सेड दैट यू हैव टू हैव द रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस। आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि होता है कभी आप बहुत खुश होते हैं और किसी से को आप कुछ भी कहते हैं, दोस्त मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, यू कैन प्रॉमिस एनीथिंग, बट दैट मोमेंट दैट डिसीजन कैन बी रॉन्ग। होता है इमोशंस के बहुत आवेग में आकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना होता है। दैट इज नोन एज रेगुलेटिंग योर इमोशंस। देन कम्स, हम कह तो इतना चीज रहे हैं लेकिन होता इज क्वाइट क्रिटिकल टू मैनेज द इमोशंस। क्रिटिकल्स होता है इसको, काफ़ी टफ भी है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, लेकिन उसके अपने एडवांटेज भी हैं। क्या एडवांटेज होते हैं अगर आप इमोशंस को अपने कंट्रोल करते हैं? फर्स्ट मोस्ट थिंग इज मैनेज योर स्ट्रेस। कभी कभी आप बहुत तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, लेकिन आप अपने आप को अगर रेगुलेट कर पा रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल में कर पा रहे हैं, तो इस मीन्स यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। आप जो तनाव आपके भीतर आता है, आपके ऊपर लगता है, आपको महसूस होता है, आप उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड ओपन माइंडेड। क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से कंट्रोल में रहेंगे तो क्या होगा कि आपका दिमाग खुला रहेगा, आप नई चीज़ों को जानने समझने के लिए तैयार रहेंगे। अगर पहले से इमोशन से भरे हुए हैं, आप बहुत दुख की मुद्रा में हैं, बहुत
हंसे की मुद्रा में है, गुस्से की मुद्रा में है, ओके, यू आर इन द पोजिशन ऑफ दैट थिंग्स, यू कैन नॉट टेक अ प्रॉपर डिसीजन. तो यू शुड बी ओपन माइंडेड एंड योर ब्रेन शुड बी इन एक्टिव पोजिशन. ओके, ब्रेन शुड बी एक्टिव एंड ओपन माइंडेड. देन कम्स यू कैन ओवरकम फेलियर्स. क्या होता है कि कभी मैं किसी इवेंट में भाग लेता हूँ, इफ आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस, या मैंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, आई डिड नॉट गेट द सक्सेस विच आई वॉज डिजायर, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो मैं सोच रहा था वो नहीं हुआ, तो अगर मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं कि नहीं भाई मुझे तो वहां सक्सेस मिलने थी नहीं मिली, या मैं ये सोचूं कि शायद मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी रहेगी, व्हाट आई हैव नीड टू डू राइट नाउ, व्हाट आई कैन डू फॉर माय फ्यूचर, फॉर अहेड. तो ये चीजें क्या करती हैं, आपको स्ट्रेस से बाहर निकालती हैं. यू कैन ओवरकम योर फेलियर्स. देन कम्स बेटर रिलेशनशिप. इफ यू हैव कंट्रोल इन योर इमोशंस, देन यू कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजिली. यू कैन अंडरस्टैंड देम, बिकॉज दोस्ती भी उसी से होती है जिसको आप समझ सकते हैं. दैट मोमेंट यू कैन से आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ माई फ्रेंड. यू कैन हैव गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली एज वेल एज यू कैन हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स यू कैन से, टू मैनेजिंग रिलेशन विद यू बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड वन थिंग एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू एक्सेप्ट योर डिफीट एज ए ग्रेटफुली, ग्रेसफुली. लाइक खेल में हम खेलते हैं जीवन में, हमने क्रिकेट मैच में भाग लिया, फुटबॉल मैच में भाग लिया, या कोई हम सोचते हैं स्कूल में आपका एक कॉम्पिटिशन है, मान लिया है कि आपका एनुअल इवेंट चल रहा था, डांस कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया. अब एक है कि एक राम है, दूसरा मोहन है, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, मोहन डिफीट हो गया. मोहन उसको कैसे ले रहा है, ही टेक्स इस नेगेटिवली, वो जाके साउट करने लगता है, ही स्टार्टेड थ्रोइंग द थिंग्स टू अदर्स, दूसरों पे चीजें पटक कर फेंकने लगता है. एंड व्हेन ही कम बैक टू होम अगेन, ही इज शोइंग द टेंटम टू हिज पेरेंट्स, इज नॉट रेडी टू ईट ऑल्सो. इज इट्स प्रॉपर वे टू डील विद द स्ट्रेस, टू डील विद द डिफिट? और अदरवाइज द मोहन कुड हैव डन द सेम थिंग, ही हैज टू एक्सेप्ट, ओके आई गॉट द डिफिट, बट आई एम रेडी टू टेक पार्टिसिपेशन इन नेक्स्ट इवेंट, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम व्हेन आई पुट माई एफर्ट्स नाइसली, आई कैन बी इन अ गुड पोजिशन, आई कैन बी द चैम्पियन नेक्स्ट टाइम. तो ये आप कैसे अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो अगर आप इमोशनली कंट्रोल में हैं, तो आपके लिए हार भी कोई मायने नहीं रखती, बिकॉज यू आर रेडी टू विन और लूज कंडीशंस, आप दोनों के लिए तैयार रहते हैं, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप अहेड. तो ये चीज़ आपको सिखाता है इमोशन में, आप जब कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है. देन कम्स व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज योर इमोशनल इंटेलिजेंस. आपकी जो बौद्धिक भावनात्मक जो बुद्धि है आपकी, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या तरीके हैं? तो इसके बेसिकली फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस. पहले आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा. आप अपने ऑब्जर्व योर बिहेवियर. इमोशंस का कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में असर पड़ता है. दस यू हैव टू ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द थिंग्स, व्हाट चेंज आई एम फीलिंग इन माई सेल्फ एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट आई नीड टू डू फॉर माई ओन इम्प्रूवमेंट. आपको अपने ही इम्प्रूवमेंट के लिए किस चीज़ में सुधार करना है, दिस यू हैव टू चेक. ओके, दिस इज अंडरस्टैंड योर इमोशंस. जब आप अपने इमोशन को समझ पाएंगे, तभी आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे. देन रेशनलाइज योर इमोशंस. डोंट मेक एनी डिसीजन एब्रप्टली. कोई भी चीज़ें, कोई भी निर्णय अगर आपको लेना है, तो मैंने ऐसे कहा था कि या बहुत दुखी होते हैं, या कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी भी आप निर्णय मत लीजिए. या कोई भी निर्णय लेना है आपको, किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचना है, यू हैव टू थिंक ए लॉट. उस चीज़ को जल्दीबाजी ना करके यू हैव टू गिव अ रैशनलाइज थिंकिंग. आपको प्रॉपर वे में सोचना होगा कि जो ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं करूँगा, क्या मेरे लिए सही होगा, या इसकी प्लानिंग किस तरीके से होगी. या आपने कह दिया कि नहीं, आपके दोस्त ने कहा चलो भाई क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आज तो आपने उसे कह दिया, कुछ सोचा नहीं, लेकिन कल आप सोचते हैं अदरवाइज इफ आई वुड हैव गिवन प्रॉपर टाइम फॉर माई स्टडी, आई वुड हैव गॉट द सिलेक्शन इन दैट एग्जाम. बाद में आपको महसूस होता रहा, देन गिविंग यस दैट मोमेंट यू वुड हैव टोल्ड टू योर फ्रेंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, सॉरी आई कैन नॉट कम फॉर मूवी और एनीथिंग लाइक दैट. तो आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना होता है, बट यू हैव टू गिव प्रॉपर थिंकिंग टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, दैट पर्टिकुलर मोमेंट. आपको सोचना है उस समय कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं. ओके, दिस वे यू कैन कंट्रोल योर, मैनेज योर इमोशंस. देन कम्स प्रैक्टिस, बिकॉज ओवरऑल व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर गेट इमोशनली स्ट्रक, कभी कभी हम पे इमोशन हावी हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हों, सुख का हो या दुख का हो, कुछ भी ऐसे इमोशन जो हम पे हावी होने लगते हैं, तो
तो हमारी जो इनर कंडीशन होती है, हमारी इनर इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं चेंज हो जाती, बदल जाती है। देन द प्रॉपर वे फॉर डूइंग इट, यू हैव टू ट्राई फॉर मेडिटेशन एंड योगा। एज इट इज ऑल्सो सेड, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन। ध्यान एक सबसे बड़ी दवा है कहा जाता है। तो ध्यान क्या करता है, आपके भीतर से आपको शांत बनाता है। योगा क्या करता है, फिटनेस के साथ साथ उस ऊर्जा को आपके भीतर महसूस कराता है। तो ये तरीके हैं इन विच यू कैन फील इनर कामनेस दैट मोमेंट, यू कैन मैनेज योर इमोशंस। आपको अपने मैनेज करने में क्या मदद करता है ये आपको, हाउ यू कैन मैनेज ओके योर इमोशन। तो दिस वे इमोशनल इंटेलिजेंस विल बी इंक्रीज। तो दिस चैप्टर्स कवर दीज आस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके व्हाट आर द स्किल्स फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। आई डू होप यू गॉट अकॉर्डिंगली एज पर दिस चैप्टर। एंड लेटर ऑन ट्राई टू गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू नो योर अबाउट योर ओन इमोशंस। आपके भीतर क्या क्या इमोशंस चलते हैं उनको आप जानने की कोशिश कीजिए। और कभी ऐसी चीज़ को भी अपने सामने लाइए, अभी जब इमोशंस की एक इमोशंस के बहुत अधिक होने पर आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिससे बाद में आपको पछताना पड़ा, या कभी आपने अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल में रखा तो आपको उसका फायदा भी हुआ। दिस वे यू हैव टू थिंक एंड अप्लाई इन योर ओन इंडिविजुअल्स लाइफ। आई डू होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग द स्टडी। सो कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग। सी यू वेरी सून। टेक केयर। थैंक यू।